हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जरीन खान का जन्मदिन 14 मई को होता है। जरीन ने जब अपना फिल्मी करियर शुरू किया था तो उस समय उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके पीछे की वजह बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान थे। दरअसल जरीन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सलमान की बहुचर्चित फिल्म वीर से की थी। यह फिल्म साल 2010 में आई थी। उस समय जरीन और सलमान खान की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। वैसे सिर्फ जरीन ही नहीं, सलमान खान बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों को मौका दे चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सलमान के साथ अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। नंबर एक, रेवती। रेवती मलयालम सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक रही है। रेवती ने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत सलमान की फिल्म लव से की थी। यह फिल्म साल 1991 में आई थी। दर्शकों ने बड़े पर्दे पर रेवती और सलमान की जोड़ी को खूब पसंद किया था। रेवती ने साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। नंबर दो, नगमा। नगमा अब अभिनेत्री से नेता बन चुकी है। नगमा ने काफी समय से फिल्मों से दूरी बनाई हुई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1990 में की थी। नगमा की पहली फिल्म का नाम बागी है। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। उस समय नगमा और सलमान की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। नंबर तीन, चांदनी। चांदनी भी काफी समय से सिनेमा से दूर चल रही है। फिलहाल वह अपनी डांस एकेडमी चलाती है। चांदनी ने सलमान की फिल्म सनम बेवफा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनका नाम रुखसार खान था। फिल्म सनम बेवफा साल 1991 में आई थी। नंबर चार, स्नेहा उल्लाल। स्नेहा को आज भी कई लोग अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की कॉपी कहते हैं। स्नेहा उल्लाल ने साल 2006 में सलमान के साथ अपनी डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म का नाम लक्की था। हालांकि फिल्म कामयाब नहीं रही। स्नेहा उल्लाल की आखिरी हिंदी फिल्म बेजुबान इश्क साल 2015 में आई थी। नंबर पाँच, भूमिका चावला। भूमिका चावला ने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म से ही खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने सलमान खान की सुपरहिट और सदाबहार फिल्म तेरे नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल भूमिका चावला साउथ सिनेमा की फिल्मों और वेब सीरीज करने में व्यस्त हैं।